अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनके वर्ल्ड चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको सैर करवा रहे हैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में वाकया वादिय नारान से 31 किलोमीटर के फासले पर मौजूद बहुत ही खूबसूरत लुलूसर लेक की। डियर फ्रेंड्स, लुलूसर लेक एक बहुत ही खूबसूरत और बुलंदो बाला मकाम है। ये एक बहुत ही खूबसूरत झील है जो कि सतह समंदर से 11,190 फीट की बुलंदी पर पाई जाती है। इसका नारान से फासला 31 किलोमीटर है और बाबूसर टॉप की तरफ जाते हुए ये रास्ते में बहुत ही खूबसूरत और दिलखुशा मंजर पेश करती है। लुलूसर लेक की हाइट सैफुल मुलुक झील से भी ज़्यादा है। जैसे कि आपको मालूम है, झील सैफुल मुलुक सतह समंदर से 10,577 फीट की बुलंदी पर मौजूद है, जबकि लुलूसर लेक की हाइट सतह समंदर से 11,190 फीट है। लुलूसर लेक क्रॉस करने के बाद आप बाबूसर टॉप की तरफ सफ़र करते हैं और तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद आप बाबूसर टॉप पहुंच जाते हैं। बाबूसर टॉप की बुलंदी सतह समंदर से 13,691 फीट है और ये पाकिस्तान का हाईएस्ट पास है। बाबूसर टॉप के ऊपर आप अपनी कार में भी जा सकते हैं और सड़क बहुत ही इंतहाई आरामदेह और आपके लिए फैसिलिटी के साथ बनाई गई है और कहीं पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यह है कि गाड़ी में आपको ऊपर जाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप अपनी गाड़ी को छोटे गियर्स में लेके जाएं ताकि चढ़ाई पे आसानी से वो ऊपर जा सके। और ये जो आप हमारे पीछे सीन देख रहे हैं, यहाँ पर पार्किंग मौजूद है गाड़ियों की और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। जैसे ही हम बाबूसर टॉप पहुँचे तो अचानक तेज़ और धुआंधार बारिश स्टार्ट हो गई। मौसम इंतहाई खुशगवार और बहुत ही ठंडा हो गया। गर्मियों के दिनों में इतनी ठंड हमें और किसी इलाके में नहीं मिलती। सतह समंदर से इंतहाई बुलंदी पर मौजूद होने की वजह से और हर तरफ ग्रीन और शादाब पहाड़ियों के दरमियान में मौजूद होने की वजह से और अचानक बादल आ जाने की वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया और तेज़ रफ्तार बारिश स्टार्ट हो गई और बाद में ओले भी पड़ने लगे। ये आप देख सकते हैं कि लोग अपनी फैमिलीज के साथ, हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पुरफजा और बहुत ही हसीन नज़ारा देखने को मिला। डियर फ्रेंड्स, कैमरे की आँख वो सब चीज़ें नहीं दिखा सकती कि जो मौसम और जो नज़ारे हमने वहाँ पर महसूस किए। ये आप देख सकते हैं कि ओले पड़ रहे हैं और हम लोग इस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। शदीद ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और सब लोग इस शेल्टर के पीछे खड़े होंगे बाबूसर टॉप के ऊपर। ओलों की रफ्तार इतनी तेज थी कि हर चीज़ की आवाज़ तालाबारी की आवाज़ के नीचे दब चुकी थी। मौसम इंतहाई ठंडा और बादल इंतहाई शदीद आ चुके थे और हम लोग इस वक्त दोपहर के 2 बजे बाबूसर टॉप पर पहुँचे। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक अवर वीडियोस, कमेंट्स करके हमें बताएं और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फीडबैक दें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ये फ्रेंड्स, इस वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको जो ये सीरीज़ दिखाई है, इसकी पहली एपिसोड में हमने आपको कानपुर डैम की सैर कराई, उसके बाद आपको मकरा पीक व्यू पॉइंट दिखाया, नारान, लुलूसर लेक और बाबूसर टॉप की सैर कराई। तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको हमारे ये तमाम वीडियोज़ कैसी लगी और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये आप पीछे देख रहे हैं कटोबाजी गुल्लो शीज़ा तकी, पीछे बाबूसर टॉप है। हमारी गाड़ी का हम दिखाते हैं आपको सीन।
हमारी गाड़ी वो खड़ी हुई है। वहाँ हमारी गाड़ी ने क्या था, बस मैंने आगे नहीं जाना। फिर हमने कहा कि हमने तो आगे जाना है, तो गाड़ी वहाँ पे एंजॉय किया और फिर हम जो हैं पैदल बाबूसर टॉप तक चले गए। और बारिश होगी वहाँ पे बारिश होगी। उसके बाद फिर हम ऊपर बारिश में एंजॉय किया, शेड था, शुक्र है शेड था, उसमें रुक गए। अब पैदल अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट करके वापस।